नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार चतुर्दशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सत्यवादी, पवित्र हृदय वाले, प्रिय वचन बोलने वाले, धनवान, धर्म कर्म में कुशल होते हैं। ऐसे जातक दूसरों की कमियों को जानने वाले, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, नाटक तथा संगीत में रुचि रखने वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने के इच्छुक, परोपकारी और स्थिर चित्त वाले होते हैं। ऐसे जातक ईमानदार और सच्चे व्यक्तियों को सम्मान करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज भी चंद्रमा पर बुध, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र चंद्रमा का होगा, जिससे अभूतपूर्व उत्साह और कार्यशैली में सुधार परिलक्षित होगा। हर कार्य करने में सकारात्मक प्रयास साथ देंगे, रचनात्मक क्रियाशीलता और दृढ़ विश्वास कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, व्यावसायिक उत्थान में मिसाल कायम करेंगे और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा और उचित दिशा निर्देश जारी रहेगा। आज भी चंद्रमा अपने उच्च राशि में ही चलते रहेंगे, जिससे दृढ़ विश्वास और सकारात्मक प्रयासों को बल मिलेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और अपने आप को सफल महसूस करेंगे। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ है, इस दिन भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा वापसी में कई तरीके की मुश्किलें सामने आ सकती हैं और आपका पैसा आपके समयानुसार नहीं मिल पाएगा। आज दिन में 10:30 बजे से 12 बजे तक किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह काम अंतिम लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सकता है। कई तरीके की समस्याएं आपके कार्य को बाधित कर सकती हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए उच्च के चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं। धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग कायम रहेगा। वाणी की सौम्यता और वाक्पटुता में वृद्धि होगी। मानसिक सुकून और माता के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवृत्ति हर काम में सफलता दिलाएगी। हालांकि कुछ कामों में अनावश्यक रुकावट या विवाद की संभावना भी बनती है, मगर अधिकारियों के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक योजनाएं फलीभूत होंगी। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी राशि पर ही बैठे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में संवेदनशील महसूस करेंगे, मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सगे संबंधियों से भी लाभ की उम्मीद बनती है। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा, मगर कुछ मामलों में मन का अंतर्द्वंद बना रहेगा। हालांकि अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और व्यवसाय संबंधी प्रतियोगी भावना विकसित होगी, जो कि कार्य क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को मानसिक दबाव महसूस होगा और धन लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। व्यावसायिक विकास में आपकी सकारात्मक पहल कायम रहेगी, जिसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। विभागीय सहयोग मिलता रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होगी, मगर कुछ कार्यों में थोड़ा विलंब और खर्च का संकेत मिलता है। चंद्रमा के खुद के नक्षत्र में होने से अधिकतर कार्य पूरे होते रहेंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के राजस्वामी चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं। मानसिक दबाव और खर्च की प्रवृत्ति में सुधार होगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि सुखद रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास बना रहेगा, जो कि आपकी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर विवादित मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी चिंता में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता संभावित है।
सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य शनि के साथ धनु राशि में चल रहे हैं। अगर चंद्रमा आपके दसवें घर में चल रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है। व्यावसायिक क्रियाशीलता में मदद मिलेगी और नई कार्य योजनाओं के विस्तार में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। रुकी हुई आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी, मगर निजी मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजोर पड़ सकती है, मगर काम भी संपन्न होंगे। संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध बृहस्पति के साथ तीसरे स्थान पर बैठे हैं और वृष राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में चल रहे हैं। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए सरकारी सहयोग जारी रहेगा, मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। मित्र व सहयोगियों से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे। साथ ही व्यापारिक स्थिरता बनी रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। धार्मिक भावना विकसित होगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि पर ही बैठे हैं और चंद्रमा आठवें घर में वृष राशि में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर आपकी कार्य योजनाएं बाधित हो सकती हैं। विचारों का अंतर्द्वंद्व मन में पैदा होना और अनचाही यात्राओं का संकेत भी मिलता है। नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी, हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल चौथे भाव में हैं और चंद्रमा उच्च के सातवें चल रहे हैं। रुके हुए काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी, हालांकि कुछ मामलों में अनावश्यक व्यग्रता, घबराहट और व्यवहारिक तौर पर दोषारोपण और गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, मगर कार्य क्षमता और दृढ़ शक्ति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कार्य योजनाओं में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति वृश्चिक राशि में 12वें भाव में हैं और चंद्रमा वृष राशि में 6वें भाव में चल रहे हैं। ऊर्जा स्तर में कमी, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में गिरावट का अंदेशा बनता है, मगर मन में नकारात्मक भावनाओं के साथ साथ एकांत प्रियता और शांत माहौल में रहने की प्रवृत्ति में विकास होगा। हालांकि कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, हालांकि रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास सार्थक होंगे और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के राशि स्वामी शनि 12वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 5वें भाव में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उत्साह के साथ गति आएगी और संबंधित मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी विभाग से लाभ और अनुकूलता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों का सानिध्य शामिल होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर कुछ मामलों में रुकी हुई योजनाएं संपन्न होंगी और धन लाभ संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें और सामाजिक समारोह में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि 11वें भाव में बैठे हैं। चंद्रमा 4थे भाव में वृष राशि में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी, हालांकि निजी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में उत्साहपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। पहले की चली आ रही और योजनाओं में गति आएगी। अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें। मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति बुध के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 3रे भाव में चल रहे हैं। प्रयासों का दौर जारी रहेगा। दृढ़ विश्वास और सार्थक पहल में गति आएगी।
चंद्रमा उच्च के हैं और पराक्रम भाव में चल रहे हैं। पहल करने की प्रवृत्ति बनाए रखें, मगर सावधानी भी अपेक्षित है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। हालांकि आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। निजी जिम्मेदारी बढ़ेगी और निवेश लाभकारी रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।